आसमान से गिरते हुए झरने, ऊंचे बर्फीले पहाड़, शायद भारत के सबसे खूबसूरत ट्रैकों में से एक रूपिन पास जो कि दो राज्यों की संस्कृतियों का समावेश है। क्रॉसओवर ट्रैक रूपिन पास सबसे खूबसूरत ट्रैकों में से एक। देहरादून से आप बस या शेयरिंग टैक्सी लेके नेटवाड़ पहुंचते हैं और यही नेटवाड़ में ही दो नदियों का संगम है, रूपिन जो कि हिमाचल प्रदेश से आती है और सुपिन जो कि बंदरपूछ, कालानाग और स्वर्गारोहणी की चोटियों से बह के आती है और नेटवाड़ में दोनों का संगम होके पॉन्स बनाती है। ये है संगम। नेटवाड़ से धौला 10 किलोमीटर है। यहाँ पर भी आप शेयरिंग टैक्सी से पहुँचते हैं। पहली बार आप रूपिन नदी को क्रॉस करते हैं, उस तरफ जाते हैं और यहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है रूपिन पास। अभी मैं हूँ धौला में। धौला रूपिन पास का बेस कैंप। धौला ये लास्ट रोड साइड है, यहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है रूपिन वैली की ओर। इस ट्रैक की खूबसूरती ये है कि इसमें दो राज्यों में आपको ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि ये जो रूट है, ये सेपरेट जो भेड़ बकरी वाले लोग होते हैं वो लोग इन रास्तों से जाया करते थे और उन लोगों ने इसकी खोज की। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे, लगभग 9 किलोमीटर का ट्रैक है और आज हमारा स्टे होगा सेवा में। धौला से 3 किलोमीटर चलने के बाद अब यहाँ से एक्चुअल में जो ट्रैक है वो शुरू होता है, क्योंकि जो रास्ता है आप देख रहे हैं बहुत पतला है और साथ साथ में यहाँ से जो है जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा है, खास करके यहाँ पे चढ़ाई एकदम शुरू हो जाती है और यहाँ पे दम लगाना पड़ता है आपको जब ये ट्रैक होता है पहली बार। ये है दांता दहाड़। जो ट्रैक रूट है वो बहुत सारे गांवों के बीच से होके जाता है। खूबसूरती यह है कि गांवों में जो घर हैं वो लकड़ी और पत्थर के सारे बने हुए हैं। सेब के बगीचों के बीच से होते हुए ये घर बहुत सुंदर लगते हैं। हे गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेवा में, जो कि हमारी फर्स्ट कैंप साइट है और अभी शाम के बज रहे हैं 7। सेवा जिसकी की हाइट 6,500 फीट है समुद्र तल से, ये हमारा पहला कैंप साइट है और ये पीछे आप खूबसूरत होम स्टे देख रहे होंगे, लकड़ी से बना हुआ घर और आज हम इसी में रुकने वाले हैं रात को। घर के चारों तरफ सेब के बगीचे हैं, आपको दिखाऊंगा, सेब के पेड़ हैं, खुमानी के हैं, मतलब यहाँ पे रहना ऐसे लगता है कि आप स्वर्ग में आ चुके हैं। भारत की आत्मा भारत के गाँव में बसती है। हमारे भारत में एक बहुत ही फेमस कहावत है, अतिथि देवो भव। यहाँ पर अतिथियों को भगवान माना जाता है। जब मैं इस गांव में आया तो मैंने देखा कि ये गांव वाले जिस नज़रिए से अतिथियों को देखते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, वो शायद कहीं और आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक खूबसूरत रात्रि विश्राम के बाद हम चल पड़े हैं सेवा से ऊपर के गाँव की ओर। रूपिन पास ट्रैक का ये दूसरा दिन और हमारे हैवी से बैग, आप देख सकते हैं बहुत हैवी बैग है यार, वज़न बहुत ज़्यादा है। और जब आप ट्रैक करते हैं ना तो इस प्रकार से ट्रैक करें, म्यूल लेके, पोर्टर लेके ट्रैक करना, कोई ट्रैक करना हो यार, आप एटलीस्ट अपने कपड़े और खाने पीने का सामान आप खुद उठा पाओ, नीचे से एंट्रेंस करके आएँ अच्छी सी तैयारी के साथ, तभी आप ट्रैक को इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं ये खूबसूरत रास्ते रूपिन पास ट्रैक की। इस ट्रैक की एक और खूबसूरती ये है कि ट्रैक जो आपके सेब के बगीचे होते हैं उनके बीच से ये रास्ता जाता है और इससे अच्छी फीलिंग क्या हो सकती है कि आपके दोनों तरफ सेब के पेड़ हैं और आप उसके नीचे से जो है ट्रैक पे जा रहे हैं। और अभी तक जो हमारा ट्रैक था वो उत्तराखंड में था और इस छोटी सी नदी को पार करते ही हम लोग आ जाएंगे हिमाचल में। तो ये बॉर्डर है, जो ये छोटी सी नदी है जिसको हम गदेरा कहते हैं यहाँ पे, इसके इस तरफ हिमाचल है और उस तरफ उत्तराखंड है। तो इस समय हम हिमाचल की धरती में हैं, तो मुस्कुराइए, आप देवभूमि हिमाचल में हैं और सामने बहती ये रूपिन रिवर। अभी हम लोग पहुँचे हैं गोशांगू में।
गोशांगू, आप जी सड़क देख रहे हैं यहाँ पे, ये जाता है यहाँ से शिमला रोडू होते हुए, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रैक एंजॉय करना है तो आपको पीछे से ही आना पड़ेगा। 6 किलोमीटर का ट्रैक और हम लोग पहुँच जाते हैं मिल्की वाटरफॉल पे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बाउटा में। बाउटा अगर आप सेवा से आते हैं तो बाउटा दूसरी कैंप साइट होती है, यहाँ पे होम स्टे है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है कुछ लोग जो है शिमला से भी पसंद करते हैं, वो बाउटा आते हैं गाड़ी तक और बाउटा से उनका ट्रैक शुरू होता है रूपिन पास की ओर। हम लोग पहुँचे हैं जिसकून में। जिसकून बाउटा से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है जिसकून, और जब आप जाखा जाते हैं तो जिसकून सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे आप जो है अपना लंच वंच करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसकून में यहाँ पे एक शॉप आपको मिलती है जहाँ पे हर प्रकार का सामान आपको मिलता है। अगर आपके पास जैकेट नहीं है, अगर आपके पास ट्राउज़र नहीं है, ग्लव्स नहीं है, या कुछ भी आपको थर्मस चाहिए, मतलब जो सामान आप सिटी में लेते हैं वो सारा आपको यहाँ पे मिलता है। तो उम्र कितनी है आपकी? 100 में कितना बोला आपने? कम 3 साल। 100 में 3 साल कम, मतलब 97। 97 साल की हैं और 10 किलोमीटर पैदल चल के जा रही हैं, शिमला से आ रही हैं। इनका गाँव रोड से 10 किलोमीटर है बाउटा से जाखा। जाखा की जो हाइट है वो 9000 फीट है समुद्र तल से, मतलब वो 9000 फीट जहाँ पे किसी को भी एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो जाता है, वहाँ पे ये पैदल चल के जा रहे हैं 97 साल में। आप भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग महिला है 97 साल में 10 किलोमीटर, और वो भी इस अल्टीट्यूड में, इस हाइट में। अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं आपके जाखा गांव में, और आपको दिखा देता हूं जो रास्ता है यहां पे बिल्कुल पतला सा, और नीचे देखो कितनी गहरी खाई है। अगर यहां आप थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो गया तो आप नीचे ही हो जाएंगे, तो इसलिए आपको बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। और अभी हमें लग गई है भूख एकदम ज़ोरदार, और मेरे पास है यहाँ पर कुरकुरे केवल खाने के लिए, अगर मिल जाए गर्मा गर्म चाय तो इसकी बात ही कुछ और है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जाखा गांव में। जाखा गांव जो कि लगभग 9000 फीट पे है, और ये है पीछे घाटी जो हम छोड़ के आए हैं, यहाँ से आए हम नीचे से, और ये होम स्टे। और दिखा देता हूँ अंकल जी जिनका जाखा में सबसे बढ़िया होम स्टे है, टूरिस्ट करने से हमारा अच्छा सीजन रहता है, मतलब ये रूपिन पास की वजह से काफी रोजगार है गांव में। अच्छा, मतलब जैसे रूपिन पास हमारा चालू होता है, हमारा हर बच्चा जो है यहाँ पर काम पे लग जाता है, और हर मजदूर को, ढाबे वाले को बेनिफिट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो बड़े खुश होते हैं जब टूरिज्म का सीजन चलता है, और हम लोगों को बोलते हैं अपने बच्चों के जितना टूरिस्ट आएगा उनको प्यार से रखना। घर का बना हुआ लोकल खाना और यहाँ का अतिथि सत्कार आपकी यात्रा में 4 चांद लगा देते हैं। अरे भगवान, ओहो पहुंचा दे, बस बारिश नहीं होना चाहिए, बाकी तो चलेंगे यार आराम आराम से कोई। अब ये ट्रैक पे पहली बार है जब हम गाँव से दूर जा रहे हैं, अभी तक हम गाँव के बीच में ट्रैक कर रहे थे, अब हम घुसेंगे जंगलों की ओर। परेशानी थोड़ी सी हो गई कि बारिश हो गई है, थोड़ा रेन कवर हमने डाले हैं, बाकी जाना तो है ही। जब आप इस ट्रैक पे आते हैं ना तो कहीं लोकल घर में एक चुटकी की रोटी जरूर पूछना, बहुत हेल्दी होती है। तो अभी पिछले 3 घंटे से लगातार बारिश हो रहा है, और उसकी वजह हमें कहीं एक जगह आराम करना पड़ा। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बुरांस कांडी में, कि पीछे आप देख सकते हैं एकदम से एक जगह पे बुरांस के बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए इस जगह का नाम बुरांस कांडी है। तो यहां से लेके आगे 1 किलोमीटर तक पूरे बुरांस के पेड़ों से भरा हुआ है ये जंगल, और यहाँ पर एक छोटा सा हट, थोड़ा मुश्किल हो रहा है बारिश में, लेकिन सफ़र तो जारी रहेगा। और मेरे साथी जितने भी आप लोगों ने रूपिन पास किया है ये देख रहे हैं,
आप सब लोगों का स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ किया है, बहुत सारे लोग अब करेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। अब आपको बीच बीच में बर्फ से जमे हुए पैच मिल जाते हैं, कठोर होने के कारण इनमें फिसलन बहुत होती है, तो आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। हम लोग पहुंचने वाले हैं धनदयाल कैंप साइट में। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं व्यू कितने सुंदर हो जाते हैं, और इस समय तीन वाटरफॉल लोअर मिडिल और अपर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। बहुत मुश्किल भरा दिन रहा आज, लेकिन फाइनली हम लोग एकदम क्लोज हैं उसके। अभी मैं पहुंचा हूं धनदयाल, जो कि हमारी आज की कैंप साइड है। मेरे पीछे आप खूबसूरत कैंप देख रहे हैं, बहुत सी कंपनियों के यहां पे कैंप है, और पीछे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वाटरफॉल, जिसके लिए रूपिन पास जाना जाता है। रूपिन पास की जो खूबसूरती है, जो यहां की ब्यूटी है, ये है यहां के ऊंचे पहाड़ों से गिरते हुए ये झरने। आप देख सकते हैं रूपिन जो नदी है, हम सब जानते हैं कि हिमाचल से निकल के उत्तराखंड नेटवार में जाती है, सुपिन से मिलती है, और पछवा दून में यही रूपिन रिवर यमुना से मिलती है। तो मैं कह सकता हूं कि यमुना का एक पार्ट, एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी जो रिवर है, वो हिमाचल की इन पहाड़ियों से निकलती है। रूपिन पास में जब मैं पहुंचूंगा तो बताऊंगा कि क्या है इस रूपिन पास की कहानी, क्यों खास है रूपिन पास, क्यों खास है ये रूपिन पास ट्रैक, और क्यों देश विदेश से लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं धनदयाल में हूँ, आज रात यहाँ पे स्टे करेंगे, कल सुबह हम यहाँ से अपर वाटरफॉल जाएंगे, और परसों सुबह रात में लगभग 2-3 बजे हम निकलेंगे पास के लिए। तो आप बने रहिएगा इस खूबसूरत ब्लॉग में, और दिखाते रहूंगा रूपिन पास की खूबसूरत वादियाँ। साथियों, जल्दी आपके बीच में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे व्यू है उसमें। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, देखते रहिएगा द शैलेंद्र हिलमैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।